WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार यानी कि रोमन रेंस आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है और WWE ने लगभग एक दशक का समय बिता चुके हैं। रोमन रेंस कई बड़े धमाकेदार हमें मैच दे चुके हैं। रोमन रेंस पिछले साल यूनिवर्सल चैंपियन बने थे, अभी तक उन्होंने अपनी चैंपियन को शानदार तरीके से जो है रिटेन किया हुआ है। बतौर चैंपियन रोमन रेंस ने एज डेनब्रायन बड़े बड़े सुपरस्टारों को हरा रखा है। रोमन रेंस यार समर स्लैम में जो है अपने पीपीवी में यूनिवर्सल चैंपियन को जो है जॉन सीना के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं और इस धमाकेदार मैच को देने के साथ साथ रोमन रेंस जो है कंपनी के कई बड़े टाइटल जो है अपने नाम कर चुके हैं। रोमन रेंस ने जो WWE में मुकाम हासिल किया है उसका सपना हर रेसलर देखता है। इतने कम समय में उन्होंने खुद को एक बहुत बड़े सुपरस्टार के रूप में जो है स्थापित कर लिया है। रोमन रेंस जैसे सुपरस्टार सदी में एक बार मिलते हैं और उनके मुकाम को देखकर उनके जैसा बनने की चाह रखते हैं और आज की इस वीडियो में हम रोमन रेंस की टाइटल उपलब्धि के बारे में बात करेंगे, यानी कि रोमन रेंस ने WWE जो भी बड़े टाइटल अपने नाम किए हैं उसके बारे में आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो सीधा करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सर्वाइवर सीरीज 2015 में रोमन रेंस ने डीन एम्ब्रोस के बीच एक WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के लिए मैच हुआ था, जिसमें रोमन रेंस ने धमाकेदार जीत हासिल करी थी और इस जीत के साथ रोमन ने पहली बार अपने करियर में वर्ल्ड टाइटल को जीता था। हालांकि रोमन रेंस के लिए यह टाइटल जीत ज़्यादा देर तक नहीं रही और रोमन रेंस के चैंपियन बनने के बाद शेमस ने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन कर लिया और रोमन रेंस को हटाकर टाइटल अपने नाम कर लिया। नंबर 4, जब 14 दिसंबर 2015 को हुए एक रो के एपिसोड में रोमन रेंस वर्सेस शेमस के बीच WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के लिए एक मैच हुआ था और इस मैच में द बिग डॉग ने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए दूसरी बार जो है टाइटल को अपने नाम किया था। इस जीत के साथ उन्होंने शेमस के खिलाफ अपना बदला भी पूरा कर लिया था। जब सर्वाइवर सीरीज में शेमस ने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन करके उनसे टाइटल छीन लिया था, इस मैच के दौरान विंस मैकमैन, रूसेफ और डेलरियो का जो है हमें दखल देखने को मिला था, पर फिर भी हमारे बिग डॉग ने इन सब को पिछाड़ते हुए अपने वर्ल्ड टाइटल को नाम कर लिया था। तीसरे मैच की बात करते हैं जो कि हुआ था रॉयल रंबल 2016 पीपीवी में। इस मैच में रोमन रेंस को अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए जो है मजबूर होना पड़ा था। जब ट्रिपल एच ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के लिए हुए रॉयल रंबल मैच में शामिल हुए और चौंकाने वाली जीत को हासिल करा। रॉयल रंबल के बाद जब फास्ट लेन पीपीवी में रेसलमेनिया 32 में WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर और डीन एम्ब्रोस के बीच ट्रिपल थ्रेड मैच रखा गया था जिसमें रोमन ने अपना नाम किया था और इसके बाद फैंस को WWE रेसलमेनिया 32 में रोमन वर्सेस ट्रिपल एच के बीच एक बहुत बड़ा शानदार मैच देखने को मिला था और इस मैच में रोमन रेंस ने जीत हासिल कर तीसरी बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन को अपने नाम किया था। नंबर 2, समर स्लैम 2018 रोमन रेंस के लिए काफ़ी यादगार साबित हुआ था और इस पीपीवी में रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को हराकर पहली बार अपने करियर में यूनिवर्सल टाइटल को अपने नाम किया था। रोमन रेंस की इस जीत के बाद फैंस ने बेहद खुशी जताई थी। हालांकि रोमन रेंस के लिए ये टाइटल लक्की साबित नहीं हुआ और टाइटल जीतने के कुछ महीनों बाद रो के एक एपिसोड में रोमन ने बताया कि उन्हें 11 साल की उम्र से जो है ल्यूकेमिया बीमारी का शिकार हुए पड़े हैं, जो कि एक तरीके का ब्लड कैंसर है, जो अब वो फिर से वापस आ गए हैं। उन्होंने ये कहते हुए अपने यूनिवर्सल टाइटल को छोड़ दिया था कि वह अपना रोल फुल्ली तरीके से नहीं निभा पाएंगे और ना ही फाइटिंग चैंपियन रहेंगे, इसीलिए वे अपने टाइटल को रिलिंकिश कर रहे हैं। उसके बाद गाइस समर स्लैम 2020 में रोमन रेंस ने चौंकाने वापसी करते हुए द फिंड और ब्रॉन स्ट्रोमैन पर अटैक किया था। इसके बाद पेबैक पीपीवी के लिए रोमन द फिंड और ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच एक यूनिवर्सल चैंपियन मैच बुक करा था। पहले द फिंड और ब्रॉन स्ट्रोमैन एक दूसरे की बुरी हालत कर चुके थे। इसके बाद रिंग में रोमन की एंट्री होती है और ब्रॉन पहले द फिंड पर अटैक करते हैं, फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन पर अटैक करते हैं और आखिरी में रोमन रेंस ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को स्पेयर देकर अपने एक और बार जो है यूनिवर्सल चैंपियन को अपने नाम कर लिया था। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कब कब जो है रोमन ने वर्ल्ड टाइटल को अपने नाम किया है, किसके खिलाफ। और गाइस यार आप एक काम जरूर करें, मेरे को बताएं कि आप किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए और मेरे को अपनी वीडियो में क्या क्या सुधार करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।